आज जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है ना, आज बेसिकली डीप न्यूरल नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में आज हमारा आखिरी लेक्चर है, ठीक है। उसमें जो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं, बेसिकली टॉपिक एक ही है, बेसिकली वो क्या है, वो है डीप न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ बातें कर लेंगी कि डीप नेटवर्क क्या होता है और इसको कंपेयर कर लेंगे शैलो नेटवर्क के साथ, ठीक है। और अगेन थोड़ा सा रीकैप कर लेंगे कुछ चीज़ों का, जैसे नोटेशंस की बात पहले भी की थी, आज थोड़ा सा दोबारा देख लेंगे, और डायमेंशंस की बात भी कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। इनके डायमेंशन से मतलब ये है कि मतलब हमने जी की डायमेंशन, ए की डायमेंशन, हर लेयर पर क्या होगी जब हम डीप न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे, और इसी तरह से यानी कि ये फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के कॉन्टेक्स्ट में, इस तरह से बैकवर्ड पास जब होगा तो डी ए और डी जी की क्या डायमेंशन होगी, इसी तरह से डब्ल्यू की बात करेंगे उनकी डायमेंशन क्या है, और बी की बात कर लेंगे, इस तरह से डी डब्ल्यू और डी बी की, ठीक है। तो इन डायमेंशन को भी हम डिस्कस कर लेंगे, बल्कि इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी देख लेंगे कि सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल के केस के अंदर जो जी की डायमेंशन क्या है, ए की डायमेंशन क्या है, डी जी की डिमेंशन क्या है, डी ए की डिमेंशन क्या है, और इसी तरह से डब्ल्यूज़ की और बी की डिमेंशन क्या है, उसको भी हम चला देखेंगे। अच्छा, इसके बाद ना इम्पॉर्टेंट बात कि फॉरवर्ड, मैं डीप नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में बात करने लगा हूँ कि फॉरवर्ड प्रोपेगेशन या फॉरवर्ड पास क्या होगा, उसकी क्या क्या इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें देखने की ज़रूरत होगी, और इसी तरह से बैकवर्ड पास के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या इक्वेशंस हैं, क्या क्या फार्मूलेशंस हैं जिनको हमें देखने की ज़रूरत होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप देखेंगे कि आपको सारा कुछ पहले ही, अगर आपको शैलो नेट, अगर आपको न्यूरल नेटवर्क विद वन लेयर की समझ है ना अच्छी तरह से, आज आप देखेंगे उनकी ही रेपुटेशन है कि फॉरवर्ड पास के अंदर वही दो लेयर का नेटवर्क, यानी कि न्यूरल नेटवर्क विद वन लेयर, या मैं दो लेयर का नेटवर्क की बात करूँ, जो उसके अंदर आपने फॉरवर्ड पास को देखा बिल्कुल वैसा ही आप यहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है। वो कैसे करके फर्क है अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ। इस तरह से बैकवर्ड पास ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल के साथ भी देखेंगे फॉरवर्ड पास को, और मल्टीपल या एम ट्रेनिंग एग्जांपल के साथ, सारी की सारी ट्रेनिंग एग्जांपल के साथ भी देखेंगे इस फॉरवर्ड पास को। इसी तरह से बैकवर्ड पास को भी हम एम ट्रेनिंग एग्जांपल और एक ट्रेनिंग एग्जांपल कॉरस्पॉन्डिंग क्या है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा रीकैप कर लें। देखिए, हमने बात की थी शैलो नेटवर्क से, हमने बात की शुरू की कि एक न्यूरॉन बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये है हमारा ऐसा नेटवर्क जिसकी एक लेयर है, ये ऐसा नेटवर्क है जिसकी एक लेयर, मतलब आप इसे यहाँ पे x वेक्टर दे रहे हैं, यहाँ पे w है और ये b है, ठीक है। मतलब W और B को मैं लिंक्स पे शोर नहीं किया, अलहदा से फीचर नहीं दिखाया, जस्ट आपको दिखा रहा है ये इनपुट है इस न्यूरॉन को, ठीक है। तो ये ऐसा नेटवर्क है जिसकी एक ही लेयर है बस, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटेशन क्या हो रही है इस न्यूरॉन पे, दो Z की कंप्यूटेशन हो रही है, देन फॉलोड बाय A, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमने डिस्कस किया था दूसरी एग्जाम्पल, न्यूरल नेटवर्क विद टू लेयर्स, वो कैसा नेटवर्क था। देखें, जैसे हमने लास्ट भी बात की कि ये हमारे पास हिडन लेयर है और उस पर चार न्यूरॉन्स हैं, और यहाँ आप इसे इनपुट दे रहे हैं, ये इनपुट इनपुट लेयर को मैं शो कर रहा हूँ, जस्ट एक्स यहाँ पे इसके फीचर एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन, ये आप इसे इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये हमारी आउटपुट लेयर है जहाँ पे एक ही न्यूरॉन। देखें, जितनी भी हमने डिस्कशन की है ना न्यूरल नेटवर्क को के कॉन्टेक्स्ट में, हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में की है। क्या मतलब, आउटपुट पे हम ना एक वैल्यू जो है उसे प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कैट है कि नहीं है, ठीक है, ये देखना चाह रहे हैं। तो इस वजह से जो आखिरी लेयर है हमारी, उस पर जो न्यूरॉन है, नंबर ऑफ न्यूरॉन है, वो कितने होंगे, वो एक ही होगा, जो बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी बताएगा,
कि क्लास वन से बिलोंग करने की क्या प्रॉबिलिटी है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने न्यूरॉन एक ही यूज़ करना है। अच्छा, अब ये लेयर जो है जिसे हमने हिडन लेयर भी कह दिया, मसलन ये ऐसा नेटवर्क है जिसे मैं एक तो मैंने लिखा ये दो लेयर का नेटवर्क है, एक लेयर ये वाली है, एक लेयर ये वाली। क्या मतलब, यहाँ W, इसके भी W और B हैं, यानी कि जिस जिस लेयर के W और B हैं, मैंने जहाँ जहाँ पैरामीटर लर्न आप करते हैं उन लेयर्स को हम कंसिडर करते हैं कि वो नेटवर्क की लेयर्स हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप ऐसा नेटवर्क भी देखेंगे जिसकी नंबर ऑफ लेयर तो ज़्यादा होंगी लेकिन वो लर्नेबल लेयर्स नहीं होंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये अगले कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा जब हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे ना, तो उसके अंदर कुछ मैं आपको ऐसी एग्जांपल दिखाऊंगा जहां नेटवर्क की लेयर्स तो ज़्यादा हैं लेकिन कुछ लेयर्स ऐसी हैं जो लर्नेबल नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से हम उसे काउंटिंग, यानी काउंटिंग हमेशा लर्नेबल लेयर के साथ होगी नेटवर्क की। ठीक है, तो यहाँ ये नेटवर्क है क्योंकि इसकी दो लेयर्स हैं, ये पहली लेयर है और इसी तरह से ये इसकी दूसरी लेयर है, तो इसके दो लेयर्स पे हम पैरामीटर लर्न कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड पास के अंदर इन W और B को यूज़ करेंगे, बैकवर्ड पास के अंदर इनके डेरिवेटिव जो हैं वो, जी ये सेकंड लेयर, शाम बिल्कुल ठीक है, ये दूसरी लेयर। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये क्या होगी, प्रेडिक्शन होगी। अब देखें ज़रा यहाँ पे बेसिकली यहाँ प्रेडिक्शन क्या होगी, A 2, यानी कि यहाँ Z 2 और A 2 कंप्यूट करना, और ये बेसिकली हमारी प्रेडिक्शन है। ठीक है, ये बातें हम सारी कर चुके हैं। ये मैंने वही नेटवर्क शो किया जिसको हमने, जिसके फॉरवर्ड पास को और बैकवर्ड पास को बड़ी डिटेल से हमने देखा। आज के डिस्कशन के अंदर जब मैं बैकवर्ड पास और या फॉरवर्ड पास की बात करूंगा दोबारा मैं इस नेटवर्क को रेफर करूंगा। ठीक है, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे कैसे ये डीप न्यूरल नेटवर्क बनता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी, ये दूसरी एग्जाम्पल, इसको भी हमने डिटेल से देखा, इसका भी फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास को डिटेल से देखा, इसके अंदर भी फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास को डिटेल से देखा। इसके बाद अब देखें जरा, मैं जस्ट इस बड़ी ही तवज्जो से प्लीज इस बात को देखिए, न्यूरल नेटवर्क विद वन लेयर, या इसको हमने शैलो नेटवर्क भी कहा, मैं शैलो और डीप की बात थोड़ी देर तक करता हूँ। यहाँ पे देखें, एक दफ़ा आप कंप्यूट कर रहे हैं जी देन ए, यहाँ पे क्या हो रहा है बता सकते हैं शाबाश जी? इस लेयर पे क्या कर रहे हैं, इस लेयर के हर न्यूरॉन पे क्या कंप्यूट हो रहा है, जी और देन ऐसे है ना जी, और उसके बाद फिर यहां पे जी और ए, क्या मतलब, दो दफा अगर आप जी और ए को कंप्यूटर पर करते हैं तो ये नेटवर्क कैसा होगा जिसकी दो लेयर्स हैं, ऐसे है ना, यानी कि ये डीप, ये नेटवर्क दो लेयर का किस तरह से है कि यहां पर दो दफा हम जी और ए को कंप्यूट कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कहूँ तीन दफ़ा अगर हम Z और A को कंप्यूट करें तो वो नेटवर्क कैसा होगा जिसकी तीन लेयर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब मैं कहता हूँ ऐसे ही मेरा ये, मैं हिडन लेयर पहली बना देता हूँ एक, इसी तरह से ये दूसरी एक हिडन लेयर है, इसी तरह से ये आउटपुट मैं डाल देता हूँ और यहाँ मैं इसे इनपुट, यहाँ मेरी एक्स इनपुट है, एक्स वन एक्स टू एंड अप टू एक्स एन, ये मैं इसे इनपुट देता हूँ इस लेयर को, इस पे कुछ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं फॉर एग्जांपल 5 हैं, यहाँ पे मैं 5 रख देता हूँ और यहाँ 1। ठीक है जी, तो इस लेयर की, इस नेटवर्क की कितनी लेयर हैं जी शामिल बताएंगे, इस लेयर की कितनी नेटवर्क लेयर्स हैं, न्यूरल नेटवर्क विद 3 लेयर्स या न्यूरल नेटवर्क विद 2 हिडन लेयर्स, इसको हमने जैसे कहा, इसका नाम दूसरे लफ्जों में इसे कह सकते हैं हम न्यूरल नेटवर्क विद वन हिडन लेयर, सही है जी, ये बात समझ आ रही है। इसी तरह से देखिए, मैं जस्ट इसके अंदर लेयर्स को बढ़ा दूं, जैसे मैं कहूं ये इसके साथ एक और लेयर है जी, इस नेटवर्क के बारे में क्या ख्याल है जी शाबाश, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये कैसा नेटवर्क है जिसकी 4 लेयर्स, सही है। अच्छा जी, अब जरा मुझे थोड़ा सा आपने बताना है शाबाश, जरा देख लें जी, इस पे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स 5 हैं, यहाँ पे भी 5 हैं, यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पे 1 है, सही है। अच्छा, ये लेयर क्या है, ये लेयर नंबर 1 है, ये लेयर नंबर 2 है, ये लेयर नंबर 3 है और ये 4 है, 4 लेयर का नेटवर्क है, सही है। अगेन एन नोटेशन को हम यूज करते थे, याद है यहां पे एन ऑफ यूज किया था हमने, एन ऑफ 1 कितने जी, नंबर ऑफ यूनिट्स इस लेयर पे कितने हैं, यहां पे कितने 4,
बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे एन ऑफ वन, हाँ जी कितने हैं जी, फाइव, एन ऑफ टू, एन ऑफ थ्री और एन ऑफ इज इक्वल टू वन और एन ऑफ जीरो, ठीक है, जितने नंबर ऑफ फीचर हों, तीन हैं तो तीन लिख लूंगा, यानी कि जितने फीचर्स हैं, हमने जनरली डिस्कशन वैसे तीन की थी, तीन फीचर इनपुट दे के जितनी डेरिवेशन की थी, तो आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, या इन्हें एन एक्स भी कह सकते हैं कि इनपुट के कितने नंबर ऑफ फीचर्स। हाँ जी ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी अब जरा बड़ी तवज्जो से, अब जरा आपने थोड़ा सा डिमेंशन के कॉन्टेक्स्ट में, ये नोटेशंस मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारी डिस्कस कर ली हैं। अच्छा अब जरा देखिए डिमेंशंस, डब्ल्यू वन क्या मतलब, ये वाली लेयर का, इस वाली लेयर पे क्या है हमारे पैरामीटर हैं डब्ल्यू वन और बी वन। देखिए फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ तीन फीचर हैं, जस्ट तीन फीचर हैं पहली लेयर, बताएंगे शाबाश कितने लिंक्स बनेंगे जी, फाइव बाय थ्री कितने हो गए, फिफ्टीन, टोटल फिफ्टीन वेट्स हैं, डब्ल्यूज हैं और फाइव अलहदा से बीज हैं आपके पास, सही है, तो 15 डब्ल्यूज हैं, इन्हें ऐसा चैसे ही कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन हमने उसे एक खास अंदाज से अरेंज किया था, इनकी खास अंदाज से उसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हमने उसे रिप्रेजेंट कर लिया था जी। शाबाश, क्या है उसकी डिमेंशन बता सकते हैं आप, फाइव कामा, फाइव कामा थ्री, यानी अगर आप इस अंदाज से मैट्रिक्स को अरेंज करेंगे ना तो आप वैक्टराइजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वैक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, कि आपने z कंप्यूट करना है, जस्ट इस मैट्रिक्स को यूज करें और इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करें तो देन आपके पास आउटपुट आ जाएगा, सही है। तो ये इस फॉर्म के अंदर अगर हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो वेक्टराइजेशन फॉर्म के अंदर हम चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो हमें आसानी होती है। अच्छा अब जरा देखिएगा, यानी कि इसका मतलब है मैं इसे ऐसे करके लिख सकता हूँ, डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एन वन कामा एन जीरो, तो जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फार्मूला में अगर लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, किसी भी लेयर पे एल लेयर के पैरामीटर कैसे फाइंड होंगे, के डिमेंशन कैसे फाइंड करेंगे हम, शाबाश, एल एन कामा एल। अच्छा शाबाश, इस तरह से बी का बताएं जी, बी वन, बी वन क्या है, बी वन ये है, ये इस लेयर का कितने बीज हैं, फाइव, शाबाश, ठीक है, हर न्यूरॉन को आपने बी इनपुट देनी है ना, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर एंड बी फाइव ऑफ लेयर वन जी, तो क्या डायमेंशन होगी, शाबाश, फाइव कामा वन। तो अगेन मैं जनरल फार्मूला इसका भी लिखना चाहूँ ना, बी एल किसी भी लेयर पे बी एल की क्या डायमेंशन है, तो क्या होगी बताएं जी, एन ऑफ एल कामा, सही है, ये बात समझ आ रही है, इसमें तो मुश्किल नहीं हुई शायद, ये पुरानी बातें ही मैं रिवाइज कर रहा हूँ, उसे जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा ये थोड़ा सा डायमेंशंस के कॉन्टेक्स्ट में बात थी। अच्छा चलिए इसको ना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं जस्ट ये वाला फ़र्क अभी नहीं बताया मैंने आपको, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ी देर तक डिफाइन करते हैं, मुझे जस्ट एक दो चीज़ें और आप बताएं, आप मुझे ये बताएं कि W की बात कर ली है, अच्छा ये W की बात की है, डब्ल्यू एल इज इक्वल टू, देखें जरा शाबाश, डी डब्ल्यू की क्या डायमेंशन, किसी भी लेयर पे आप ग्रेडियंट्स कंप्यूट करेंगे तो वहां पे जी क्या डायमेंशन होगी, शाबाश, जो W की डायमेंशन, ये बात समझ आ रही है ना, ठीक है, यानी कि जितना इसकी डायमेंशन है, जितने इसके एलिमेंट है, हर एलिमेंट का डेरिवेटिव चाहिए, हर का लॉस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक वेट्स, वो हमें फाइंड करने की जरूरत है, सही है, तो इसका मतलब है इसकी डिमेंशन भी क्या होगी, ठीक है, इसी तरह से जो बी की, जैसे बी की अभी हमने देख ली है डिमेंशन क्या है, तो डी बी की क्या डिमेंशन होगी, सेम,
सही है। तो ये पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में हमने डायमेंशन को डिस्कस कर लिया। अब जरा हम Z और A के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। जी जी शाबे बताएंगे जी। Z1 या चले मैं इसे चेंज करता हूँ, Z2 बताएं जरा मुझे जी। Z2 की डायमेंशन ये शाबाश। जी Z2 की डायमेंशन बताएं जी। 5 कामा ये है हमारा दूसरी लेयर ना, इसकी आउटपुट Z के कॉन्टेक्स्ट में। जब लीनियर आप इनपुट का और जो वेट्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या, ये देखें जरा, ये बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे। W2 कामा मल्टीप्लाई बाय A प्लस क्या होती है क्वेश्चन, सॉरी A1, यानी कि इस लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, इस लेयर की। इस पे इनपुट कहाँ से आ रही है, पिछली लेयर की जो आउटपुट है इसको ऐसा इनपुट मिलेगी। इस लेयर की आउटपुट क्या है, A1, जिसकी डायमेंशन क्या है। हाँ जी चलें Z1 की क्या डायमेंशन है, चलें उससे पहले बात कर लें। पहले यहाँ दो कंपटीशन हो रही है ना, एक Z की और फिर A की। चलें मुझे Z1 की पहले बताएं, ये अभी बाद में देखते हैं, पहले Z1 बताएं। Z1 की डायमेंशन जी शाबाश, Z1 की डायमेंशन। हाँ जी कोई मुश्किल बात नहीं की, अरे बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कितनी आउट, कितने न्यूरॉन्स हैं, 5। कितने Z कंप्यूटर होंगे, 5। तो 5 कामा 1 वेक्टर फॉर्म के अंदर शो कर रहा हूँ, एक ट्रेनिंग एग्जांपल हम इनपुट दे रहे हैं, तो 5 कामा 1 सही है। अच्छा जी इसी तरह से अब A1 की क्या डायमेंशन होगी, 5 कामा 1, जो Z की है वही A की है। देखे ना A क्या है, A है बेसिकली आपने कोई एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना है एलिमेंट वाइज किसी वेक्टर के ऊपर जो इसे इनपुट मिले। तो इनपुट क्या है, Z1, तो Z1, ये मेरी बात समझ आ रही सभी को कि नहीं, ठीक है। तो जो Z1 की डायमेंशन है वही A1 की है, क्या मतलब, ये Z की डायमेंशन आपने बताई है मुझे 5 कामा, या जिसे मैं जनरलाइज करके लिखना चाहूँ तो ये क्या है, एन ऑफ 1 कामा, इसे मैं किसी लेयर के कॉन्टेक्स्ट में करूँ तो यहाँ पे ये आए, सही है। अच्छा इसी तरह से AL की डायमेंशन n ऑफ l कामा 1, सही है, क्योंकि एक्टिवेशन तो आपने एलिमेंट वाइज अप्लाई करनी है, तो इस वजह से जो Z की डायमेंशन है वही AL की। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो शाबाश, इस लेयर का बताएं जरा फिर, लेयर 2 का। हाँ जी Z2 की क्या डायमेंशन होगी, 5 कामा 1, ठीक है। A3 की डायमेंशन, L2 पे ना, 3 जो थर्ड लेयर है हमारी इस पे, हाँ जी Z3 इसकी क्या डायमेंशन है, 3 कामा 1, सही है। Z4 बता दें मुझे, 1 कामा 1, सही है। यानी कि जितने न्यूरॉन्स हैं उतनी ही आउटपुट लाइन। अच्छा जी ये बात हो गई। अच्छा इसी तरह से अभी मैं सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ सारी। डी जी की डायमेंशन बताएं जरा, डी जी 1, 5 कामा 1, ठीक है। जो आपकी ए की जी की डायमेंशन थी वही डी जी की। इसी तरह से डी ए वही डायमेंशन जो ए की। हाँ ये बात क्लियर है, ये सारी रीकैप कर रहा हूँ चीज़ें पुरानी, ठीक है। अच्छा जी अब जरा थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं जी। एक शैलो नेटवर्क क्या होता है और डीप नेटवर्क क्या है, ये नेटवर्क क्या है, एक लेयर वाला नेटवर्क। इसको हमने नाम दिया था क्या, इसे हमने कहा था दिस इज आवर जिसकी एक ही लेयर थी, और ये नेटवर्क जिसकी चार लेयर है ये कैसा है, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ये एक डीप न्यूरल नेटवर्क है, ज्यादा लेयर्स है। यानी कि जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी
इसका मतलब है वो नेटवर्क उतना ही डीप है, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है, एक डीप न्यूरल नेटवर्क। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, अब मैं आपको जनरली से एक बात बता देता हूं। जनरली लोग पता क्या कहते हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, हर वो नेटवर्क ना जिसकी दो या दो से ज्यादा लेयर है ना, वो डीप नेटवर्क है, डीप न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। शैलो नेटवर्क एक लेयर वाला, यानी कि जस्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन जिसे हमने कहा। हाँ जी सही है, ये बात समझ आ रही है, समझ आ गई है, कोई सवाल तो नहीं सवाल से। चलें जी, अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं तो अब मैं फॉरवर्ड पास की बात करने लगा हूँ और उसके बाद बैकवर्ड पास की बात करने लगा। देखिए जी, मैं एग्जांपल पता क्या किसने पे करने लगा हूँ, ये नेटवर्क जिसको हम पहले दे चुके हैं, न्यूरल नेटवर्क विद वन लेयर्स, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं चाह रहा हूँ इसका फॉरवर्ड पास की बात करें। शाबाश, आप लिखेंगे इसका फॉरवर्ड पास, इसका फॉरवर्ड पास, इसके फॉरवर्ड पास की जो भी फॉर्मुलेशन है वो आप लिख दें। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, देखें जरा, यहाँ पे जी वन, उसके बाद ए वन, सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना, सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में जी वन क्या है और ए वन क्या है, ए टू क्या है और सॉरी जी टू क्या है और ए टू क्या है, वो आप मुझे बताएंगे। मैं अभी आपका वेट करता हूँ, करें शाबाश जल्दी जल्दी से, थोड़ी देर ब्रेक कहाँ से लगाना। ये देखें जरा, देखें ये नेटवर्क है जी, ये वाला नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क विद टू लेयर्स या न्यूरल नेटवर्क विद वन हिडन लेयर, इसका फॉरवर्ड पास क्या होगा, इसके फॉरवर्ड पास के अंदर वेक्टराइज फॉर्म के अंदर, वेक्टराइज मतलब आप इसे इनपुट क्या दे रहे हैं, ये ऐसे समझें, ये एक्स थ्री, ये तीन फीचर मैं इसे इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या कंप्यूट होगा इस लेयर पे, ये जी वन होगा, जी टू, जी थ्री, जी फोर, हम वेक्टराइज फॉर्म के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो उसे मैं जी के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, ये वेक्टर है, तो आपने इसे ऐसे लिखना है, कुछ ये मेरी वेक्टर है जिसकी डायमेंशन क्या है, थ्री बाय वन, ये डब्ल्यू क्या रखा हमने, हाँ जी डब्ल्यू की डायमेंशन क्या है यहाँ पे, जी क्या है, फोर है ना, फोर कामा, फोर कामा थ्री, सही है, ये फोर कामा थ्री क्यों आया, ये अभी आपको समझ आ जाती है कि देखिए आउटपुट हमें क्या चाहिए, फोर कामा वन, इनपुट हमारी ये है, तो इसकी क्या डायमेंशन, हमें पता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वेट्स हैं वो है 12, तो 12 वेट्स को कैसे अरेंज करें कि वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन हम कर पाए, तो उसकी डायमेंशन अगर आप ये रखेंगे ना, अब देखें जरा, मैं इसे रखूँ 3/1, ये रखा तो देन ही मैं इस काबिल हुआ कि 4/1 का आउटपुट मेरे पास आए, इनके 3/1 रखा तो 3/1 से मल्टीप्लाई हुआ इसका, तो देन आउटपुट क्या आ गई, 4/1, और यहाँ पे ये क्या है, W1 क्या है, B1 क्या है, 4/1, तो अब जो आउटपुट हमारे पास आई है वो क्या है, 4/1, बात समझ आइए कि नहीं, कोई सवाल है तो कर लें, कोई सवाल है तो कर लें, ठीक है अली कोई सवाल, अच्छा इसी तरह से आप देखें जरा, अब A1 क्या है, A1 हमने कहा कोई भी इस लेयर के ऊपर कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन, फॉर एग्जांपल रिलू अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसे आपने अप्लाई करना है, तो वो हर एलिमेंट पे अप्लाई होगा, इसका मतलब है जो साइज Z का है वही आपका A का होगा, A1 का होगा, जो Z1 का साइज है वही A1 का होगा, तो इसका साइज क्या है, 4/1, तो इसका साइज क्या होगा, 4/1, मैंने GL लिख दिया, इसका मतलब है कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक हमने, कोई सवाल है यहाँ पे, ठीक है, पुरानी बात ये, इसके बाद ये देखें जरा, ये एक दफ़ा और कर लें काम, यानी कि ये प्रोसेस किया ना यहाँ पे, इस वाली लेयर पे, अब यही काम आपने इस वाली लेयर पे करना, तो क्या होगा, जी जी इनपुट क्या है, A1, जी जी ठीक है,
और यहाँ पे देखें हमें हर सूरत में जनरल कोई एक्टिवेशन फंक्शन लिखूंगा बल्कि स्पेसिफिकली सिग्माइड ही लिखूंगा क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन कर, ठीक है ना। तो हर सूरत ही हमें सिग्माइड अप्लाई करना है यहाँ पर, तो सिग्माइड को मैं शुरू कर देता हूँ। ठीक है जी, क्या आउटपुट आएगी, इसकी क्या डायमेंशन है? हाँ जी, डायमेंशन देख लेते हैं, इसकी क्या डायमेंशन है इनपुट की? 4,1। आउटपुट हमें क्या चाहिए? 1,1। यहाँ एक आउटपुट चाहिए ना, इसकी क्या डायमेंशन होनी चाहिए कि आउटपुट जी 1,4। इस वजह से इसकी डायमेंशन जो है आपको याद, वेक्टराइज इंटरप्रिटेशन के लिए हमने 1,4 रखी। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से इसकी डायमेंशन क्या है? 1, एक ही न्यूरॉन है तो 1,1। तो यहाँ आउटपुट क्या आ गई? 1,1। ये लिखा मैंने फॉरवर्ड पास, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आप लोगों ने। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये कहूँ, देखिए जरा सवाल, आप अभी इसी पे फोकस करते हैं, ये जस्ट एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल की बात की है। अगर मैं कहूँ एम ट्रेनिंग एग्जाम्पल है तो फिर, यानी कि ये मेरी एक्स वेक्टर नहीं, एक्स क्या है? मैट्रिक्स है। फिर क्या होगा, यानी कि एक्स क्या है मेरी? अब मैट्रिक्स वो कैसे है वो जरा देखिएगा, एक्स मैट्रिक्स कैसे करके है कि हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल को आपने ये पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल के सारे फीचर को ऐसे जोड़ दिया, फिर दूसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के सारे फीचर को ऐसे करके जोड़ दिया, क्या साइज है? अब ये मैट्रिक्स बना ली है, ठीक है, एक्स अब मेरा वेक्टर नहीं मैट्रिक्स है, जिसका क्या साइज है जी? शाबाश, 4,4। ये क्या है? एम एम लिखा मैंने, ये काफी सारी और भी आएंगी, डॉट डॉट लगा दिया मैंने जी, कितनी? 3,m सही है, पहले था 3,1 के एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल, अब हमारी क्या है? एम ट्रेनिंग एग्जाम्पल। अगर मैं ऐसा करता हूं तो अब मेरी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं कहां पे मिटाऊं जी? ये मैं अगर इसे यहां से मिटा के लिखना चाहूं, शाबाश, मुझे इसका फॉरवर्ड पास दिखा सकते हैं आप जी? यही नेटवर्क है, जस्ट अब एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल नहीं, एम ट्रेनिंग एग्जाम्पल जो है वो आप फीड कर रहे हैं जी। शाबाश, क्या आउटपुट आएगी जी? C1। अब ये जी लिखा है कैपिटल जी, समझे, अब मैं लिखने लगा हूं कैपिटल जी, क्या आएगा जी? W1, X, कैपिटल X, ठीक है, ये समझ, इससे बड़ा X है कोई, ठीक है, यहाँ X था 3,1, ये है X 3,m प्लस बी जी, शाबाश, क्या आउटपुट आएगी? ये इस W का डायमेंशन है जी, 4,3, इसकी क्या डायमेंशन है? 4,1, इसकी क्या डायमेंशन होगी? शाबाश, 4,m, देखे ना, ये इसकी आउटपुट आ गई क्या? 4,m, ये क्या है? 4,1, तो बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ना इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? 4,m, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सही है, इसको डिस्कस किया कई दफा, तो अब इसकी आउटपुट ये आएगी 4,1, ए की क्या डायमेंशन आएगी? ए कैपिटल ए जी, जिस पे मैं एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करूं। अच्छा, ये दोबारा से प्लीज बात देखिए, ये क्या शो कर रहा है? ये z वेक्टर क्या है बेसिकली? 4, इसका क्या है इसके अंदर? इनके z1, ये लिखा 4,1, ये क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है बेसिकली, देखें जरा, इसके ये वेक्टर है ना,
सॉरी ये मैट्रिक्स है ना, ठीक है, इसके अंदर क्या आउटपुट है? इसके अंदर ये मैट्रिक्स कुछ ऐसे करके है, जरा इसे गौर से देख लीजिएगा, ये है यानी ये चार यूनिट्स ना, पहली लेयर, पहली लेयर, पहली लेयर, पहली लेयर, ठीक है। और किसके कॉरस्पॉन्डिंग? पहली ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉरस्पॉन्डिंग। ट्रेनिंग एग्जांपल को हमने ऐसे करके लिख दिया था, इसके बाद यही बिल्कुल ऐसे ही Z1, Z2, Z3 और Z4 ऑफ लेयर 1 इसी लेयर पे, लेकिन किस वाली ट्रेनिंग एग्जांपल की आउटपुट है? सेकंड वाली, एंड सो ऑन, ठीक है। आखिर पे क्या होगा कि आखिरी ट्रेनिंग एग्जांपल के जी, तो इस वजह से इसकी डिमेंशन क्या है? 4,1। और 4,1 के अंदर ये चीजें पड़ी हुई हैं, ये आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसे मिटाने लगा हूँ। अब ये मैट्रिक्स आपके जहन में रहनी चाहिए कि ऐसे ही है। अब मैं इस पे, इस वाली मैट्रिक्स पे जो अभी आपको मैंने शो की है या जिससे मैंने ये लिखा है, अब मैं इस पे कोई एक्टिवेशन फंक्शन रिलू अप्लाई कर देता हूँ, किस पे? जी, कैपिटल जी पे। तो ये आउटपुट मुझे क्या देगा? कैपिटल ए। कैपिटल ए की क्या डिमेंशन होगी बता सकते हैं? शाबाश शाब। 4,N, सही है। अच्छा जी, इसी तरह से जी, इसी तरह से Z2 क्या होगा? W2 इंटू A1 प्लस B1, सॉरी B2 जी। A1 की क्या डायमेंशन है? 4,M। B की क्या W की क्या डायमेंशन है? WB जी, 1,4। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और इसकी B2 की एक ही है ना न्यूरॉन, तो एक ही बायस, 1,1। अब आउटपुट क्या चाहिए हमें? आउटपुट क्या है? कितनी जी की वैल्यू चाहिए? एक ही, तो 1,1। देखिए जरा बड़ी तवज्जो से, 1, जी आउटपुट क्या आनी चाहिए इस वाले केस के अंदर? 1,1, एक इनपुट एक आउटपुट। अब इनपुट कितनी है? एम। आउटपुट कितनी आनी चाहिए? एम ही आनी चाहिए। तो आप देखें इसकी डिमेंशन क्या बन जाएगी, 1, ये समझ आ रहा है? ये है 1,M। तो ये कैसे इसके अंदर ऐड होगा? ये एलिमेंट, ये वैल्यू, हर स्केलर वैल्यू है ना, हर एलिमेंट के अंदर ऐड होगी। बिफोर एडिंग, अगेन पाइथन का जो ट्रांसलेटर है वो ब्रॉडकास्टिंग करेगा, इसकी डिमेंशन क्या बना देगा? 1,M ये बनाएगा हर जगह पे, ये जो भी वैल्यू उसे कॉपी कर देगा। समझ आ रही है सभी को? ये जस्ट रीकैप ही कर रहे हैं, नई चीज नहीं ऐड हो रही अभी तक, ठीक है जी। शाबाश। अब मैं ना इसी इम्प्लीमेंटेशन को, ये जो शो किया ना, मैं इसको जो ये वाला नेटवर्क जिसको हमने कहा ये जो चार लेयर का नेटवर्क है, इसके साथ ना मैं इसके लिए लिखना चाहूँ तो क्या चेंज आएगी? शाबाश, बता सकते हैं आप? यानी कि ये जो मैंने चार इक्वेशन लिखी हैं किसके लिए लिखी हैं? न्यूरल नेटवर्क जिसकी दो लेयर्स थी। अब मैंने यही क्वेश्चन लिखनी है किसकी? ऐसा नेटवर्क जिसकी चार लेयर्स है। तो शाबाश, क्या करूंगा मैं बता सकते हैं आप? जी क्या करूंगा, क्या चेंज आएगी? शाबाश, कोई आंसर? जी जकरिया, क्या करेंगे? देखिए वेरी सिंपल, जो अभी आपने किया ना, देखें यहां से शुरू किया हमने, ये पहली लेयर का पे लिए हमने जी और ए को कंप्यूट किया, फिर दूसरी लेयर के लिए हमने सी और ए कंप्यूट, यही का प्रोसेस आपने रिपीट करना है। जितनी लेयर है उतनी दफा आपने जी फॉलोड बाय ए को कंप्यूट करना है।
यहाँ पे आपने Z followed by A दो दफ़ा compute किया है, ये देखें एक दफ़ा ये और दूसरी दफ़ा ए, मैंने ए लिखा नहीं, सॉरी ए लिख दिया इसके बाद, सॉरी ए भी लिखना था ना, ए ए ए टू, हाँ जी ए टू क्या आया, ए टू क्या आ गया, सिग्मॉइड ऑफ आउटपुट क्या आएगी, वन कामा, ठीक है ये समझ आ रही है, वन इसको मैं थोड़ा सा लिख दूं, वन कामा एन से मुराद क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, आउटपुट के अंदर क्या होगा, ए वन जो पहले अभी देखा इसका, ये देखने वाला ये जो देखा ए, सॉरी ए टू ऑफ पहली ट्रेन एग्जाम्पल, फिर ए टू ऑफ दूसरी ट्रेन एग्जाम्पल, एंड इसी तरह से ए टू ऑफ एम्थ ट्रेन एग्जाम्पल, इसके अंदर ये वेक्टर होगा बेसिकली, यानी कि पहली ट्रेन एग्जाम्पल की कॉरस्पॉन्डिंग प्रिडिक्शन, दूसरी ट्रेन एग्जाम्पल की कॉरस्पॉन्डिंग प्रिडिक्शन, और आखिर पे आखिरी ट्रेन, ये इस वेक्टर के अंदर ये चीज़ें पड़ी, सही है। तो इस बात को जहन में रखना प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जहन में रखना कि आखिरी लेयर पे जो आउटपुट आ रही है वो एम जो इनपुट्स आपने दिए ना, यानी कि देखें जरा बड़ी तवज्जो से देखें इस बात को, ये हमारी पहली ट्रेन एग्जाम्पल थी ये वाली, इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रिडिक्शन क्या हुई है, ये एक प्रिडिक्शन, ये हमारी दूसरी ट्रेन एग्जाम्पल थी जो दूसरा यहाँ पे कॉलम नजर आ रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रिडिक्शन कहाँ पड़ी है, इसके दूसरे कॉलम पे पड़ी है, ये एम ट्रेन एग्जाम्पल थी इसकी प्रिडिक्शन कहाँ पड़ी है, ये आखिर पे पड़ी है, ठीक है। तो यहां तो ये था ना कि हर एक ट्रेन एग्जाम्पल आप एक्स इनपुट दे रहे थे, चूंकि एक ही इनपुट आ रही थी तो एक ही आउटपुट आ रही है, यहां चूंकि एक मैट्रिक्स आप इनपुट दे रहे हैं तो एक वेक्टर या मैट्रिक्स ही आपके पास आउटपुट आ रही है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना। अच्छा जी, अब अगला सवाल जो थोड़ी देर पहले मैंने किया था, अब हाँ जी इस नेटवर्क के लिए हमने लिख ली जी और ए को कंप्यूट करते हैं, फॉरवर्ड पास लिख ली, इसके बारे में शाबाश क्या ख्याल है जी, क्या करेंगे, शाबाश, इन्होंने कहा दो आंसर बेसिकली इसके, इन्होंने कहा लूप लगा ले, वेरी सिंपल, ये काम देखें ना, ये आखिरी लेयर वाला काम थोड़ा सा डिफरेंट है कि सिग्माइड अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज क्या हो रहा है यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, एक्टिवेशन क्या है, रीलू, यहाँ पे भी रीलू अप्लाई कर ले, यहाँ पे भी रीलू, यहाँ पे भी रीलू, और यहाँ पे सिग्माइड है, यानी कि सारे को मैं लूप के अंदर लिख सकता हूँ, वैसे तो जनरलाइज कर दूँ ना जी, दोबारा से इस बात को, दो लेयर के नेटवर्क के लिए आपने जी फॉलोड बाई ए दो दफ़ा कंप्यूट किया है, एक दफ़ा ये और दूसरी दफ़ा ये, अब चार लेयर का नेटवर्क है तो क्या करना है, चार दफ़ा आपने Z फॉलोड बाई A को कंप्यूट करना है बस, सही है, ये बात समझ आई। तो अगेन उन्होंने जकरिया ने कहा लूप के अंदर लिखते हैं, इट्स फाइन, अब मैं देखें इस नेटवर्क के लिए लिखने लगा हूँ, इस नेटवर्क के लिए लूप लगा के लिखने लगा हूँ, वो कैसे करके है, मैं वेक्टराइज इंफॉर्मेशन सिंगल ट्रेन एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बता रहा, ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा, मैं इस नेटवर्क के लिए बताने लगा हूं आपको फॉरवर्ड पास वेक्टराइज इंप्लीमेंटेशन, यानी कि एम, ये पूरी मैट्रिक्स जो है ना डिजाइन मैट्रिक्स, उसके अंदर एम ट्रेन एग्जांपल्स इनपुट है, तो उसकी उसकी फॉर्मुलेशन कैसे होगी जरा उसको देख लीजिए, फॉरवर्ड पास फॉर न्यूरल नेटवर्क विद, देखिए जरा विद, ये मुझे शायद टू लेयर लिखना चाहिए था, टू लेयर जो पहले हमने किया, अब हम फोर लेयर की बात, देखें जरा जी एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल इन टू, देखें जरा हमने क्या लिखा है, ये एक्स है ना, उसके बाद क्या शुरू हो जाता है ए, मैं इसे ना आसानी करने के लिए, आसान जनरलाइज करने के लिए, इस एक्स को मैं रिप्लेस करने लगा हूँ किसके साथ, ए जीरो के साथ, एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये वाली हमारी डिजाइन मैट्रिक्स को मैं कह रहा हूँ ये बराबर है किसके, ए जीरो, इसको मैं ए जीरो कह देता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा ये डब्ल्यू एल इन टू ए जीरो प्लस बी एल, या तो मैं चार दफा लिखूं या मैं एक दफा लिखूं, देखिए जरा
क्या ख्याल है? ठीक है जी, बस ये चार दफ़ा लूप चले, बस सही। ये जी एल जिस लेयर पे भी है, पहली लेयर पे हाँ हमने रिलू यूज़ किया, यहाँ पे रिलू को यूज़ किया है एक्टिवेशन फंक्शन, सिग्माइड ही यूज़ किया, इट्स फाइन उसे यूज़ कर, यहाँ पे भी रिलू यूज़ किया है, यहाँ पे भी रिलू, आखिरी पे सिग्माइड। इसकी इस बात की समझ आइए कि नहीं, चार दफ़ा लूप चला जी। ए ऑफ एल माइनस वन, शाबाश ठीक हो गया, सही है जी, एल माइनस वन अब ठीक है जी। कोई सवाल और? फॉरवर्ड पास कंप्लीट, ये है फर्क, इसका मतलब कोई नई बात नहीं है। डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर फॉरवर्ड पास कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब बैकवर्ड पास की बात करने लगे। देखिए ना, ऑनेस्टली अगर आपको शैलो नेटवर्क, सॉरी न्यूरल नेटवर्क जिसकी दो लेयर्स का है उसके बैकवर्ड पास की अंडरस्टैंडिंग है ना, कोई मसला नहीं। आप न्यूरल नेटवर्क विद एम लेयर, एन लेयर्स, जितनी भी लेयर्स हों, एल लेयर्स, उसका भी जो है बैकवर्ड पास लिख सकते हैं, ठीक है। चलें जी शाबाश, पहले आपसे सवाल, जरा लिखें इसका बैकवर्ड पास, मैं वेट करता हूँ। इस लेयर के बैकवर्ड पास की ना, यहाँ देखिए जरा, ये मैंने इसे दोबारा से तस्वीर को बनाया, यहाँ आउटपुट आ रही है क्या, ए टू, सही है। इसकी आउटपुट क्या आ रही थी बेसिकली, ए वन। इसे इनपुट क्या जा रही है, एक्स, या जिसे हमने ए ज़ीरो भी कह, ठीक है, या कैपिटल ए ज़ीरो कहा जब आई एम ट्रेनिंग एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। अच्छा, अब बैकवर्ड पास के अंदर बेसिकली क्या है कि आपने ये क्या कंप्यूट करना है, डी ए टू। बैकवर्ड पास के अंदर आपने क्या कंप्यूट करना है, डी ए वन, और इसी तरह से डी ए ज़ीरो। क्योंकि एक्स को हम चेंज नहीं कर सकते, एक्स पे कुछ, एक्स तो कांस्टेंट चीज़ है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये डेड सेट है, तो ये वाली टर्म तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ये हम करेंगे। लेकिन इसके दरमियान में देखिए काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जिन्हें हम कंप्यूट कर रहे हैं, क्या है, यानी कि अगर मैं वो आपको कंपटीशन ग्राफ की बात करूं, तो यहाँ आपने डी ए यहाँ पे कंप्यूट किया, यानी कि बैकवर्ड पास के अंदर यहाँ आपने किया कंप्यूट क्या, डी ए टू, और उसके बाद आपने, क्योंकि ये जी, ये है ए टू और ये है जी टू, तो यहाँ क्या कंप्यूट करना है आपने, डी जी टू। अगर आप कंपटीशन ग्राफ निकालें जो हमने इस नेटवर्क का बनाया था, उसके अंदर अलग अलग से हमने लिखा था, एक ग्राफ के अंदर हमने सारी चीज़ें लिखी थी, और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी हमने जब कंप्यूट करना है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया डी ए, सॉरी ये मैं, हाँ जी डी ए टू, और इसके बाद बेसिकली यहाँ पे यानी कि यही बात, डी ए टू, डी ए सॉरी डी ए वन, और इसी तरह से इसके बाद हमने क्या कंप्यूट करना है, डी जी वन। क्योंकि यहाँ पे दो कंपटीशन हो रही है ना हर नोड पे, क्या हो रहा है, ए कंप्यूट हो रहा है और जी कंप्यूट हो रहा है, ये पहली लेयर का, ये पहली लेयर का, उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें फाइंड करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप देखें जरा दोबारा से, जो पहले फॉरवर्ड पास था ना, फॉरवर्ड पास की थोड़ी सी बात कर ली, फॉरवर्ड पास के बाद आपने ए कंप्यूट किया, फॉरवर्ड पास के अंदर आपने ए कंप्यूट किया जब सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल थी, और ये कैपिटल ए कंप्यूट किया जब आपकी एम ट्रेनिंग एग्जाम्पल थी, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया फॉरवर्ड पास, उसके अंदर जो आखिरी लेयर ने कंप्यूट किया न्यूरल नेटवर्क विद टू लेयर्स, उसके अंदर उसने क्या कंप्यूट किया, ए टू। इस वाले केस के अंदर ए टू की वैल्यू है, डायमेंशन क्या है, वन कामा वन, और यहाँ पे वन कामा, सही है ना। अच्छा अब जरा देखिए इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद क्या, आपने फॉरवर्ड पास कर लिया, प्रिडिक्शन कर ली, उसके बाद क्या करना, लॉस फाइंड करना, ठीक है। यानी कि लॉस, लॉस कैसे हमने, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन यूज करना है, तो कौन सा लॉस यूज करेंगे जी, क्या नाम है उसका, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है, उसे हमने यूज करना है। यानी कि लॉस फंक्शन क्या हुआ हमारा, वाई लॉस इज इक्वल टू, देखें जरा ये प्रिडिक्शन के बाद लॉस, जो आपने प्रिडिक्ट किया और जो आपका एक्चुअल लेबल है, उन दोनों का डिफरेंस देखना बाय यूजिंग दिस लॉस फंक्शन विच इज
ये था लॉस फंक्शन, ठीक है। अब ये लॉस फंक्शन है, अब इसको यूज करके, इस वाले लॉस फंक्शन को यूज करके आपने डी ए टू कंप्यूट करना है। अब डी ए टू क्या है बेसिकली, हाँ जी ये समझ आ रही है ना, ये लॉस फंक्शन। अब हम आप बात कर लेते हैं डी ए टू की। डी ए टू क्या है बेसिकली, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन। ये लॉस फंक्शन जो हमारा है विद रिस्पेक्ट टू डी ए टू, इसका डेरिवेटिव ले लें सिंपल, ठीक है। कई दफा लिया तो वो आना है बेसिकली क्या, माइनस y ओवर a 2 प्लस 1 माइनस y ओवर 1 माइनस a, ठीक है। तो ये हम ये जो टर्म है ना, ये हम भी कंप्यूट किए, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, पहले भी कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर, आज के लेक्चर में ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई नई बात नहीं है, जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को जनरलाइज कर रहे हैं। अब देखें इसी तरह से मैंने डी जी टू कंप्यूट करना है, हमें पता है डी जी चेन रूल अप्लाई करना है। ये क्या है, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेड टू, तो चेन रूल अप्लाई करना है। ये क्या है, इसका इनिशियल फैक्ट किस पे होता है, डी ए पे। मैं वो बनाने लगा कंपटीशन ग्राफ, वो हम पहले कई दफा बना चुके हैं, हाँ जी। यहाँ पे डी ए टू, और ये क्या है बेसिकली, दिस इज डी ए, यानी कि ये क्या था, मैं ऐसे लिख ही देता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए टू लॉस, ठीक है। तो ये चीज, ये टर्म क्या है, दिस इज डी ए टू, डी ए टू ऑलरेडी हम कंप्यूट कर चुके हैं, अब आपने ये करना है। तो ये कैसे करेंगे जी, ये कैसे करेंगे कि हमने देखें आखिरी लेयर है, इस पे हमने सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई किया है, ठीक है। सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, जो एक्टिवेशन फंक्शन जो कि सिग्मॉइड है विद रिस्पेक्ट टू जी, तो वो कई दफा हमने डेराइव भी किया, वो क्या है जी, ए इंटू वन माइनस ए, ऐसे था ना। इसको आप देखें रहा, ये वाली टर्म ये है, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, यानी कि जो आप आंसर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आया, किया है कई दफ़ा, मैं अब दोबारा नहीं कर रहा, तो इस जगह पे जो आंसर आ जाएगा ना जी, क्या आंसर आ गया, ए टू माइनस वाई, ठीक है जी। ये बात समझ आ रही है, इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या वैल्यू आ गई, ए टू माइनस, ये हमारा आ गया डी जी, डी ए भी कंप्यूट कर लिया और डी जी भी कंप्यूट कर लिया। उसके बाद हमने क्या कंप्यूट करना है, डी ए वन, लेकिन उससे पहले क्योंकि इसको ना एक और चीज है, यहां पे भी जो इनपुट है इस लेयर के ऊपर सारे क्या हैं, डब्ल्यूस हैं, ठीक है, यानी कि इसके पैरामीटर हैं डब्ल्यू टू और डी टू, यानी कि इसकी डिमेंशन क्या है, 1,4 और इसकी डिमेंशन है 1,1, यानी कि इस डायरी इस W के अंदर, इस वेक्टर के अंदर ना चार W's हैं, उन सभी के डेरिवेटिव कंप्यूट करने हैं आप, तो ग्रेडियंट सम कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो DW कैसे कंप्यूट करेंगे जी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू DW2, ये क्या आएगा, DW2, हाँ जी। दोबारा से चेन रूल कि पहले हम देखेंगे W का अफेक्ट किस पे, Z2 पे, और Z का अफेक्ट किस पे, लॉस पे, ये ऑलरेडी हम कंप्यूट करते हैं, जो क्या है ये, तो ये टर्म क्या बन गई, देखें ये मैं पुरानी बातें मैं लिख रहा हूँ, कोई नई बात नहीं लिख रहा, ये क्या आ गया, डी जेड ऑफ टू मल्टीप्लाई बाय दिस, ये क्या चीज़ है कि आपकी जो भी z है उसका डेरिवेटिव, z क्या है, z2 क्या है, z2 को पहले अभी थोड़ी देर पहले लिखा फॉरवर्ड पास के अंदर, हाँ जी, वो क्या है, w2 इंटू a1 प्लस d2। अब इस वाली फॉर्मुलेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w2 ले तो क्या आएगा, सिर्फ a1 आएगा, ऐसे ही है। अब देखें मैं इस जगह पे लिखने लगा हूँ,
ये सारा लिखा हुआ, डिटेल से लिखा हुआ ए वन। अब ए वन की क्या डायमेंशन है जी, ए वन की क्या डायमेंशन है जी, 4,1। बड़ी ही तवज्जो फरमानी आपने इस बात। जी टू की क्या डायमेंशन है, जी जो जी वन की थी, एक आउटपुट आ रही है, सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1,1 लिख दूँ। हाँ जी, अब डी W2 की क्या डायमेंशन थी जी, W2 की क्या डायमेंशन है, ये लिखिए 1,1। ये हम अचीव करना चाहते तो क्या करें, ये तो स्केलर वैल्यू हो गई, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसका क्या कर रहे हैं ट्रांसपोज, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 1,1 ठीक है जी। तो ये वैल्यू ये क्या आ गई हमारी, ये हमने क्या कंप्यूट कर लिया। अच्छा जी, इसी तरह से जी इसके बाद, हाँ जी डी बी क्या है, विच इज जस्ट DZ2, वो मैं नहीं लिख रहा ठीक है, विच इज जस्ट DZ। अच्छा इसी तरह से, हाँ जी ये हमने कंप्यूट कर लिया, इसके डेरिवेटिव कंप्यूट कर लिए, इसलिए इसका भी और इसका भी, यानी कि DW2 भी कर लिया और DB2 भी कर लिया। अब क्या करना है, अब DA1 और DZ1 ठीक है, हाँ जी DA1 कर लेते हैं पहले। अच्छा मैं इसे मिटा के ऊपर थोड़ा सा लिखूँ ताकि इसी जगह पे लिखा जा सके, मैं इसे मिटाने लगा हूँ। हमने क्या फाइंड कर लिया, DW2 वो क्या था, DZ2 मल्टीप्लाई बाय A1 का ट्रांसपोज, और DB क्या था, जस्ट DZ का। देखिए ये जो जो कुछ मैंने लिखा ना, इस लेयर का ना बेसिकली बैकवर्ड पास है, यहां से लेके यहां तक आपने तकरीबन यहां से लेके यहां तक, यानी कि इस ये वाली वैल्यू, यानी कि DA DZ DW और D, यानी एक लेयर के तलका जितनी चीजें सारी आपने कंप्यूट कर दी। अब जी अगली लेयर के, हाँ जी अब आपने दोबारा से क्या करना है, DA1। देखिए पैटर्न है जस्ट, और कुछ भी नहीं है जी। यहाँ पे ये कैसे होगा, चेन रूल कि हम देखेंगे इसका लॉस, इसका इफेक्ट किस पे, जेड पे, जेड कौन सा, जेड ये किस पे इफेक्ट डालेगा, ये पहले इफेक्ट डालेगा इस पे ठीक है, तो इस पे इफेक्ट। अभी मैं वो कंपटीशन ग्राफ, अगर आपको अभी चीज़ें मुश्किल लग रही तो कंपटीशन ग्राफ बना ले जैसे हमने बनाया था, उससे आसानी, मैं अस्यूम करता हूँ कि वो आपको पता है। हाँ जी दिस इज मल्टीप्लाई बाय जी, ये क्या है DZ2, बड़ी ही तवज्जो फरमानी आपने, और ये क्या चीज़ है, यानी कि इस वाली फॉर्मुलेशन का डेरिवेटिव, पहले हमने W कॉन्टेस्ट में लिया था, अब A के कॉन्टेस्ट में क्या आंसर आएगा, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू A1 W ठीक है, W कौन सा, W2, बड़ी तो जो सुनवानी है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया W2। कोई सवाल है तो कर ले प्लीज, अगर आपको ये लगे कि मैं मुश्किल बात कह रहा हूँ, ये सारा कुछ हमने पहले किया हुआ है, उसी को दोबारा रिकैप कर रहा हूँ ठीक है जी। अब दोबारा से डिमेंशन वाला मसला है जी, डिमेंशन क्या है इसकी, क्या है डिमेंशन जी, जो ए की है, ए की क्या डायमेंशन है, A1 की 4,1, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी 4,1। जी की C2 की डायमेंशन क्या है 1,1, और इसकी डायमेंशन क्या है 2 की 4,4 ठीक है, तो ये चाहिए तो क्या करें, इसका ट्रांसपोज ले लें, सही है जस्ट इसका ट्रांसपोज ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 4,1 ठीक है जी। इसके बाद ये मैं मिटा दूं जी, इसके बाद DZ1, हाँ जी
डी जेड वन क्या है, इसका इफेक्ट किस पे, ए वन पे मल्टीप्लाई बाय, इस जगह मैं लिख दूं डायरेक्ट ही क्या डी ए, ठीक है ना, यही चीज इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हाँ जी, ये कैसे करेंगे, यानी कि जो भी आपने इस वाली लेयर पे एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया है, मैं कहता हूँ आपने टेन एच यूज किया है, आपने रिलू यूज किया है, तो अभी हम रिलू के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, या टेन एच जो कोई भी हो, मैं जनरलाइज बात कर देता हूँ बल्कि, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, ये तो ये सारी टर्म ऐसा जैसे ही, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दें या नहीं लिखना चाह रहे तो कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही रहने दें, ये हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, डी ए वन मल्टीप्लाई बाय, जरा गौर से देखिएगा इस बात को। हाँ जी, इसे मैं लिख देता हूं, जो भी इस लेयर के ऊपर आपने यूज की है क्या एक्टिवेशन, उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू जी, सही है, तो ये क्या आ गया हमारा डी जी वन आ गया, या इसको ना मैं इस लाइन पे लिखता हूं ताकि नीचे हम ज्यादा ना लिखें, इसका मतलब क्या है, डी ए वन मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ यहां से। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डायमेंशन देख लेते हैं, क्या डायमेंशन चाहिए जी, जी वन की, जी वन की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, फोर कामा वन, अभी एक प्रिंट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब देखे जरा, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है, इसकी डायमेंशन क्या है, ए वन की, ए वन की फोर कामा, या डी ए वन की फोर कामा वन, सही है। अच्छा जी, अब इसकी डायमेंशन क्या है, जी की, जी वन की फोर कामा वन, अब इनकी इसका मतलब है, अब आउटपुट क्या आएगी, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसी होनी चाहिए कि आउटपुट क्या है फोर कामा वन, तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसी है मुझे ये बताएं, ये कैसी मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या नाम है, ये किस तरह की मल्टीप्लिकेशन होगी जी, देखिए ये भी मेरा वेक्टर है फोर कामा वन, ये भी वेक्टर है फोर कामा वन, हमें चाहिए आउटपुट क्या फोर कामा वन, तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी, शाबाश, यानी कि ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है इसे कहेंगे हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना आपने, जो असाइनमेंट आपसे शेयर किया उसके अंदर बकायदा ये मेंशन दी है, तो यहां पे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो आउटपुट इसकी क्या आई फोर गामा वन। अच्छा जी, नेक्स्ट, अच्छा जी, इसके बाद डी डब्ल्यू वन, डी डब्ल्यू वन क्या आएगा, इसका इफेक्ट जी के ऊपर मल्टीप्लाई बाय डी जी वन, जी शाबाश, ये टर्म क्या है जी, शाबाश, यानी कि ये वाली फॉर्मुलेशन है आपके पास, ठीक है, या जीरो में लिखूं, तो ये वन है, ये भी वन है, हाँ जी, क्या आउटपुट आ गई डी जी वन मल्टीप्लाई बाय ए जीरो, या एक्स, यानी कि ये मैं एक्स कह दूँ या जीरो कह दूँ, एक ही बात, एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल जी शाबाश, देख लेते हैं जी, ये क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी क्या डायमेंशन चाहिए हमें, फोर कामा थ्री, हाँ जी, इसकी आउटपुट क्या है, इसकी इनपुट ये वाली ए, या एक्स मैट्रिक्स क्या थी, थ्री कामा वन, और ये सी फोर कामा वन, जी क्या करें, इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये क्या बन जाएगा, वन कामा, इट्स फाइन, अब इसके आउटपुट क्या आ गई फोर कामा, हाँ जी, डी बी आखिरी डी बी डी जेड, सही है, सारा टू लेयर के नेटवर्क के साथ जो बैकवर्ड पास है उसे हम,
और ये इंपॉर्टेंट बात क्या, अभी हमने ये जो एक्स है ना, एक्स ये सिंगल ट्रेन एग्जाम्पल थी, एक्स जो था ये क्या था, एक वेक्टर था जिसकी बात अभी हमने की है। लेकिन अगर एक्स जो है हमारी मैट्रिक्स है, क्या मतलब, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है पहली ट्रेन एग्जाम्पल के एंड सो ऑन, यहाँ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है आखिरी ट्रेन एग्जाम्पल के, क्या मतलब, पहले इस मैट्रिक्स की, इस वेक्टर की डायमेंशन थी 3, 1, अब इसकी डायमेंशन क्या है, 3, m या n, m, तो फिर इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगी वो हमने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। यानी कि ये मैं अगर इनपुट दे देता हूँ पूरी मैट्रिक्स, तो अब इसकी आउटपुट तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी है, यानी कि फॉरवर्ड पास अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। मैं ज़रा उस फॉरवर्ड पास के कॉन्टेक्स्ट में ज़रा आपसे पूछूं कि अब ए, अब देखें अभी थोड़ी देर पहले क्या आ रही थी, ए लोअर केस के अंदर, ए अब क्या आएगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए के अंदर क्या है, जिसकी डिवीजन क्या है, 1, m। अब इसके अंदर एंट्री क्या होगी, पहले भी देखा है दोबारा देख लेते हैं, इसके अंदर एंट्री क्या होगी, इसके अंदर एंट्री ये होगी ए वन ऑफ टू ऑफ पहली ट्रेन एग्जाम्पल, ए वन ही लिखूंगा, एक ही यूनिट है, ए वन लिखूं या ना लिखूं एक ही बात, ए वन ऑफ टू दूसरी ट्रेन एग्जाम्पल, छोटी ब्रैकेट के साथ मैं ट्रेन एग्जाम्पल को शो कर रहा हूं, एंड अप टू ए वन ऑफ टू ऑफ, ये पड़ा है अब आपका, जब मैं m ट्रेन एग्जाम्पल सेंड करता हूं तो अब जो फॉरवर्ड पास होगा यहां a नहीं बल्कि क्या होगा, ये 2 होगा, और उसके अंदर क्या पड़ा है, ये सारी आउटपुट, यानी कि आपने ये मैट्रिक्स सेंड की, ये मैट्रिक्स सेंड की, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग m प्रिडिक्शन पड़ी है उसके अंदर, ये m प्रिडिक्शन है, सही है। तो हमें क्या फाइंड करना है फिर इसके बाद, ये प्रिडिक्शन करने के बाद क्या फाइंड करते हैं हम, लॉस, अब लॉस नहीं बल्कि क्या होगा, सारी ट्रेन एग्जाम्पल के लॉस को ऐड कर दें, उसका मी ले दें, वो क्या बन जाता है, दैट बिकम अ कॉस्ट, कॉस्ट बेसिकली हमें कंप्यूट कर दें, सही है, ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो अब मैं जस्ट एक चीज़ यहाँ हाईलाइट करना चाहूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब डी ए क्या होगा, चलें अब ज़रा, ये हमारा ए है, अब डी ए मैं अलहदा से लिख लूँ कि इसी को ओवरराइड करूँ, इसी कर, अब देखें ज़रा ये क्या होगा, कैपिटल ए, जिसके अंदर आप देखें ज़रा आउटपुट क्या आएगी, ये अब ये लॉस, एक लॉस है, एक ट्रेन एग्जाम्पल का ये लॉस, ये जो आपको शो किया एक है, बल्कि हमें फाइंड किसका करना है, ये क्या शो कर रहा है, सभी इस मैट्रिक्स के अंदर, मैं ज़रा इस बात को इसके साथ रिलेट करना, ये क्या है, ये जस्ट अभी यहाँ जो थोड़ी देर पहले यहाँ पड़ा था डी ए ना, आपने इसको यूज़ करके डी ए कंप्यूट किया था, अब आपने डी ए कंप्यूट करना है इस वेक्टर को कंसिडर कर दो, क्या मतलब, अब इस जगह पे क्या पड़ा होगा, इस वेक्टर के अंदर क्या पड़ा होगा, सारी की सारी जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल की प्रेडिक्शन है उनकी लॉस फाइंड करना है उसके लेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्या मतलब, अब यहाँ पे ये चीज़ पड़ी हुई है, देखिए जरा बड़े गौर से देखिए इस बात, माइनस वाई ओवर ए टू, एक बड़े गौर से देखिए, ए टू प्लस वन माइनस वाई, इस बात को बड़े गौर से देखना आपने, बड़ी क्रिटिकल बात, बड़ी अहम बात, वन माइनस ए टू, ये जस्ट एक ट्रेन एग्जाम्पल, कौन सी वाली, पहली ट्रेन एग्जाम्पल, ये इसको मैं फर्क करके लिखने लगा, यानी कि पहली डिशन, ये पहली ट्रेन एग्जाम्पल की, पहली ट्रेन एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग डी, ये क्या है बेसिकली, दिस इज अ डी ए टू ऑफ पहली ट्रेन एग्जाम्पल, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसकी डिमेंशन आप क्या होनी है, इसकी डिमेंशन क्या होनी है, 1, m ना, इसका मतलब 1, n एंट्रीज बढ़, ये पहली एक एंट्री है, दूसरी एंट्री क्या है, माइनस y ओवर a2 प्लस 1 माइनस y ऑफ, ये यही आंसर, लेकिन किसका, दूसरी ट्रेन एग्जाम्पल कॉरस्पॉन्डिंग, इस
प्रेडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में लॉस फाइंड किया आप, तो यहां पे क्या आएगा, दूसरी ट्रेनिंग है एंड सो ऑन। आखिरी एग्जांपल आउटपुट क्या आएगी, आखिरी आउटपुट क्या आएगी बता सकते हैं, आखिरी इसकी एंट्री क्या होगी, जी शाह इसकी आखिरी एंट्री होगी वाई एम ओवर ए टू की एम प्लस वन माइनस वाई ये है वेक्टर जिसकी डिमेंशन क्या है वन कामा, इसके अंदर कितनी एंट्रीज पड़ी हैं, एम एंट्रीज पड़ी हैं, ये पहली ये दूसरी एंट्री, ये वेक्टर की ये पूरी एक कैलकुलेशन है जस्ट, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं ये डी ए वन है, ये डी ए टू ऑफ टू है, और ये क्या है डी ए टू ऑफ एम, ये पड़े हैं इसके अंदर, ठीक है बात समझ आ रही, मुश्किल तो नहीं लग रही बात, यानी कि सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल की लॉस का डेरिवेटिव हमने फाइंड करके इसके अंदर रख दिया, जिसे हमने डी ए कहा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू अ प्रेडिक्शन ऑफ स्पेसिफिक ट्रेनिंग एग्जाम्पल कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक ट्रेनिंग एग्जाम्पल, ये पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल, ये दूसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल और ये तीसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल कॉरेस्पॉन्डिंग डी ए, ठीक है। अच्छा जी अब जरा इसको यहां पे क्या होगा, दिस इज कैपिटल ए और ये क्या है, देखें जैसे आपने ये डिजाइन मैट्रिक्स बनाई ना एक्स इसी तरह से, हाँ जी कोई सवाल है तो मुझसे कर ले, कोई सवाल है तो मुझसे कर ले, जिस तरह से ये एक्स मैट्रिक्स बनाई इस तरह से वाई मैट्रिक्स बनाएंगे, वाई क्या होगी वाई वन वाई टू, जितने भी लेबल हैं उनको आप एक वेक्टर के अंदर रो वेक्टर के अंदर लिख देंगे, इसकी डिमेंशन क्या होगी वन कामा एम, वही जो हमारी प्रिडिक्शन की है, यानी कि इसकी भी क्या है वन कामा, तो ये क्या आएगा अगर आप इसका फॉर्मुलेशन लिखेंगे तो ये वन वाई ए माइनस वाई होगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह से ये डब्ल्यू क्या आएगा जी, ये क्या आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, बड़ी तवज्जो से प्लीज बात, ये इस बात यहां पर क्या लिखूंगा मैं, यह क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, देखें इस बात को थोड़ा सा मैं रीकैप करना चाह रहा हूं, चीजें अगर आपने पढ़ी होती तो बड़ी आसानी से जल्दी से पहुंच जाना था, लेकिन फिर भी देखें ये लॉस था हमारा बेसिकली, एक ट्रेन एग्जांपल कॉरस्पॉन्डिंग लॉस है, सारी ट्रेन एग्जांपल की समेशन और उसको वन ओवर एम से डिवाइड करते वो क्या है कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या है बेसिकली, कॉस्ट इज इक्वल टू वन ओवर एम समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एम, हाँ जी, और लॉस किसका ए टू कामा आई इंटू वाई आई। अब इसका देखें जरा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ना किसी भी वेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग में करूँ तो वो क्या आएगा 1 ओवर m समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉस डिवाइडेड बाय पार्शियल, ये क्या चीज है, दिस इज डी डब्ल्यू, कोई भी w मैं फंस गया 1 कहता हूं तो ये 1 है तो ये 1 ऑफ i, इन सभी को हमने ऐड करना, यानी कि जब मैं m ट्रेन एग्जाम्पल सेंड करना चाह रहा हूं तो सारे जो लॉसेज dw फाइंड किए ना आपने इन सभी को हम कर, तो वो यहां पे कैसे सम होंगे अगर आप इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना और 1 ओवर, लेकिन हमने ये करना है अल्टीमेट, ये है हमारा dw1, कोई भी dw पहली लेयर का है तो पहली लेयर का दूसरी का, तो ये फॉर्मुलेशन बेसिकली यूज करें, यानी कि क्या हो रहा है दोबारा से इस बात को देखें, एक तो 1 ओवर m से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो आपने सिंगल ट्रेन एग्जांपल के स्टैंड किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने एम वन वन ओवर एम से डिवाइड नहीं किया, अब अगर आप सारी ट्रेन एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में आप ये डी डब्ल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको दो काम करने की जरूरत है, एक क्या वन ओवर एम से डिवाइड करें और दूसरा सारे जो आपने जो डी डब्ल्यू फाइंड किए ना, मतलब पहली ट्रेन एग्जांपल का डी डब्ल्यू फाइंड किया, दूसरी ट्रेन एग्जांपल का डी डब्ल्यू फाइंड किया, तीसरी ट्रेन जिस जिस ट्रेन एग्जांपल का भी डी फाइंड किया, उन सभी को क्या कर दें आप ऐड कर, यानी कि दो काम, एक एडिशन और दूसरा डिवीजन, ये कर लिया, तो वो डिवीजन तो आपको डायरेक्ट आप खुद लिखेंगे 1 ओवर m
और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ऑटोमेटिकली ये एडिशन कर दे। इसको हमने जब इसको एक्सप्लेन किया था यानी कि ग्राफ बना के उस वक्त मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली इसकी एडिशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप इसे डिवाइड करेंगे। देखिए इसकी डायमेंशन ज़रा देख लेते हैं। हाँ जी, आउटपुट क्या चाहिए हमें जी, आप ज़रा बताएं आउटपुट क्या चाहिए, डी डब्ल्यू की क्या डायमेंशन होनी है। देखें जो पैरामीटर है उनकी डायमेंशन चेंज होगी, अगर मैं नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल 1 रखूँ या m रखूँ उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि आर्किटेक्चर पर डिपेंडेंट चीज़ें हैं। जस्ट z और a की डायमेंशन चेंज होगी अगर मैं एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल से m ट्रेनिंग एग्जाम्पल की बात करता हूँ, लेकिन पैरामीटर की डायमेंशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अगेन इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन क्या जी, 1,4। देखिए जरा z की डायमेंशन क्या है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1,m। A1 की डायमेंशन बताएं जरा जी, A1 की, कैपिटल A1 की, लोअर केस के अंदर A1 उसकी डायमेंशन 4,4, A1 की ना, A1 की 4,1, और कैपिटल A1 की क्या हो गई 4,m, ठीक है 4,m, ठीक है। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, क्या करूँ जी, क्या करूँ ये, आउटपुट क्या हमें चाहिए जी, A का ट्रांसपोज लें तो ये क्या हो जाएगा, m,4। सही है जी, एग्री, ठीक है, ये काम करना। अच्छा जी, नेक्स्ट डीजी। हाँ जी, डीजी क्या करेंगे हमें, सारे जो डीजी हैं उन्हें भी क्या करना है हमें, ऐड कर, ये तो मैं भी बता दिया ना आपको, 1/m करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एडिशन भी खुद ही हो जाएगी, आप करके देख लें, ये मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन आप करेंगे तो सारे जो हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डी डब्ल्यू आई आया है वो सारे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। इसे आप प्रूफ करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप डी जी के, डी बी के बारे में क्या करना है, आपने वही काम करना है जो डी डब्ल्यू पर, अब क्या करना है 1/m से डिवाइड करना है और सारे डी जी को ऐड कर देना। तो यहाँ पे डी जी ही आउटपुट आ रही है, इसका क्या मतलब, सभी को सम कर दें। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन को कॉल कर लिया था, क्या लिखा, 1/m तो एक आप लिखेंगे और क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, np.sum, सारी वैल्यू को सम कर दें। और इसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक और बात भी कर दी थी, वो क्या कि हम, शाबाश, हम चाह रहे हैं कि रैंक 2 ही रहे, तो आप लिख दें यहाँ पे x=, एक तो पहले x कॉलम चूंकि अंदर वैल्यू पड़ी है तो सारे कॉलम की वैल्यू को ऐड करना है आपने, कामा एक और पैरामीटर था कीप डायमेंशंस =true, कि इसकी जो डायमेंशन है रैंक 2 आए, इसकी जो डायमेंशन है ना 1,1 आए, सिर्फ 1,1 ना आए, जो शायद यहाँ समझ नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको समझ आएगी, हाँ हर सूरत चाहिए, जस्ट शायद चाह रहे हैं हम रैंक 2 आए, जस्ट इस वजह से यहाँ पे ये लिखा है, यानी कि जो डायमेंशन इसकी है ना, ठीक है, रैंक 2 जो रैंक इसका है ना वही रैंक इस आउटपुट का भी है, जो डी जी का रैंक है वही डी बी का है, तो उस वजह से आप क्या लिख रहे, तीसरा पैरामीटर कीप डायमेंशन =, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये क्या आएगा, डी ए वन, सिंपल, वेरी सिंपल जी, ये है हमारे पास, इसकी डायमेंशन क्या है जी, 1,m, और w2 की डायमेंशन क्या थी जी, 1,4, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ये क्या बन गया, 4,1। देखिए आप इनकी डायमेंशन, इसको जस्ट इसको इस तरह मैं कर दूं तो मल्टीप्लीकेशन हो जाए, या इसको मैं ऐसे करके लिखूं, देखें ना क्या 1,1m और 4,1, आउटपुट क्या आनी चाहिए जी, 4, आउटपुट क्या चाहिए हमें 4,m, आउटपुट हमें क्या चाहिए 4,m, ये सही लिखा है, हाँ जी ऐसे क्या नहीं है। अब इसको जैसे ऑर्डर इनका चेंज कर दूं ना, मैं इसे ऐसे लिख दूं डी जी इंटू मल्टीप्लाई बाय डी जी 2, बस ये ठीक है,
सही है, 1, m है ना इसकी डिमेंशन, तो बिल्कुल ठीक है, सही मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, w2 ट्रांसपोज इनटू dz, अच्छा जी नेक्स्ट ये क्या आएगा, दिस इज डी ए मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, आउटपुट क्या चाहिए हमें, डी जी कामा देखे जरा कामा 4, m, यहां डी जी वन क्या है 4, m, ए क्या है 4, m, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ठीक है। हाँ जी डी डब्ल्यू फिर वही मामला जी, यहाँ पे क्या करना होगा जी शाबो, ये है हमारे पास कैपिटल जी, ये 4, m, ये इनपुट जो कि अब क्या है, ये इनपुट हमारी ए, इसे मैं ए भी कह सकता हूँ ए जीरो, ठीक है, ये क्या है हमारी ए जीरो, हाँ जी ए जीरो क्या है 3, m का ट्रांसपोज लिया है तो क्या बन गया, अभी देख लेते हैं लेना कि नहीं जी 3, m, हाँ ये ट्रांसपोज लेंगे हम तो ये क्या बन जाएगा m कामा थ्री, बिल्कुल ठीक है लेना, तो ये और दोबारा से हर वेट्स के लिए क्या करना है, हमें समेशन करनी है और 1/m से डिवाइड करना है, 1/m और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर समेशन भी जुड़ी हुई है। हाँ जी डी जी सारी डी जी को ऐड करना है तो यहाँ क्या लिख देंगे हम एन 1/m बिल्कुल वही जो अभी m के 2 के लिए लिखा था 1/m मल्टीप्लाई बाय एन पी डॉट सम डी जी 1, जी x इज इक्वल टू 1 और कीप डायमेंशन इज इक्वल टू 2, ये है जनाब बैकवर्ड पास, सही है। किसका किया हमने देखें अब चीज़ें फाइनल, ये मैं अस्यूम कर रहा था, वैसे मुझे शायद होमवर्क देना चाहिए था ये सारी डिस्कशन के आज घर से करके आए ताकि यहाँ से हम शुरू करें, ये मैंने किया है 2 लेयर के नेटवर्क की बात, उसका बैकवर्ड पास। अब हमें किसके चाहिए देखें जरा, इसके अंदर इसी को मॉडिफाई करें, अब मैं कहता हूँ 4 लेयर का बना दें, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने, 4 लेयर का क्या फर्क आएगा, इसी को मैं चेंज करने लगा जी, ये 2 लेयर का था यानी कि इस नेटवर्क के हमने बात की है, अब मैं कहता हूँ इस नेटवर्क की बात की, ये वाला नेटवर्क जिसकी 4 लेयर है, क्या क्या चेंज करेंगे आप देखें, तो पहले तो कुछ कॉमन चीजें देखें, एक जैसी चीजें हमें नजर आ रहा है कि ये चीज डिफरेंट है, मतलब अगर मैं कहूं इन दोनों ये 2 लेयर्स थी ना, यहां पे सिग्मॉइड फंक्शन है, यहां पे रिलू है, यहां जरा देखें यहां सिग्मॉइड फंक्शन है, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये कितनी दफा रिपीट होगा, 3 दफा, और ये पार्ट को ऐसा जैसे ही रहने दैट्स इट, तो ये क्या बैकवर्ड पास किसका बन गया, जितनी लेयर चाहे, यानी कि मैं इसको लिखने लगा जरा गौर से देखिएगा इस बात को ना, इसको मैं ऐसा जैसे ही रहने देता, जस्ट मैं नंबर चेंज करने लगा, आखिरी लेयर का नंबर क्या है जी, इसका नंबर क्या है, लेयर नंबर 4, यहां आएगा क्या 4, यहां क्या आ गया 4, ये क्या यहां क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा 3, ठीक है सही है, अच्छा जी अब जरा बड़े गौर से देखना इस बात, मैं इसको ना 4 की बजाय और जनरल करूं, मैं 4 की जगह पे लिख देता हूं L, ठीक है L लेयर नेटवर्क, तो यहां कर देता हूं L L L L माइनस 1, ठीक है यहां पे क्या आएगा L L और बड़ी तवज्जो से प्लीज देखिएगा, ये प्रोसेस मुझे कितनी दफा चलाना है, 3 दफा चलाना था ना, 4 लेयर थी तो 3 दफा चलाना था, अगर L लेयर्स हैं तो L माइनस 1 टाइम, तो यहां मैं लिख लेता हूं फॉर I इज इक्वल टू L माइनस 1 टू 1 और उसके अंदर क्या लिख लेता हूं यही सारा कुछ
यहाँ पे जस्ट मैं चेंज कर लगा जी, बड़ी तवज्जो से देखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मैं फॉर एग्जाम्पल इसे मैंने कहा आई, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आई, यहाँ ये देखे जरा ये क्या है, ये यहाँ क्या लिखा था, गौर से रिप्लेस फ़र्क देखें एक दफ़ा, ये लिखा था वन, इसको मैं आई से रिप्लेस करने लगा हूँ तो ये क्या आएगा, आई प्लस वन, सही है, आई प्लस वन, तो ये आई है तो ये आई प्लस वन, आई प्लस ये क्या है आई, दिस इज अगेन दिस इज आई, दिस इज आई, दिस इज, ये क्या आएगा आई माइनस जीरो है ना, आई माइनस वन, बस डीप न्यूरल नेटवर्क बन गया। इसका क्या मतलब है, आपको सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है जी, बस ये नाम इतना तो चलो। अब आपने सिंपल क्या करना है, अब जरा मैं थोड़ा सा असाइनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, प्लीज आप दयानदारी से आखिरी दिन है थोड़े से ना मेहनत कर लें, असाइनमेंट आखिरी जरूर कीजिएगा, मैक्सिमम सवाल उसमें से मैं डालूंगा और ये चीज़ें ही उसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। मैं जस्ट असाइनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ना एक दो चीज़ें उसने असाइनमेंट के अंदर डिस्कस की है, मैं उसको हाईलाइट थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी आप खुद देखिएगा वहाँ पे। देखिए जी ये ना उसने जरा बड़ी तवज्जो से देखी, कोई एक लेयर, ये वाली लेयर है, कोई एक लेयर, इसके अंदर फॉरवर्ड पास कैसे हो रहा है जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ ए, ये मैं कहता हूँ एल माइनस वन इनपुट आती है और ये क्या प्रेडिक्ट करता है ए एल, बड़े गौर से देखिएगा, ये मैं इसको ए एल, क्योंकि वहाँ ना प्रोग्राम मॉड्यूल बना के फंक्शन बना के किया हुआ है, मैं जस्ट उस कॉन्टेक्स्ट में इसको थोड़ा हाईलाइट कर, एल माइनस वन किसी एल लेयर के ऊपर एक जो कंपोनेंट है, मैं इसको जस्ट बिल्डिंग ब्लॉक पर दिखाने लगा हूँ कि क्या क्या है जो असाइनमेंट के अंदर यूज़ हो रही है, कि आप इस फॉरवर्ड पास के लिए ना इसे इनपुट क्या देंगे एल माइनस वन और आउटपुट क्या होगी ए ऑफ एल, लेकिन इस दौरान और क्या कंप्यूट करेंगे आप जी एल, वो भी आप कंप्यूट करेंगे, किसको यूज करके डब्ल्यू एल को और बी एल को, और आउटपुट क्या कराएंगे ए एल, सही है, ये मेरी बात समझ आ रही है, इनके डिजिटल मैं आपको फॉर्मुलेशन लिख लूं जी की और ए की, तो यही तो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, पहले जी कंप्यूट करता हूँ फिर ए कंप्यूट कर देता हूँ, ए को मैं कंप्यूट करता हूँ और जी को उसके अंदर ही यूज करता हूँ, ये है फॉरवर्ड पास। बैकवर्ड पास के अंदर क्या है, इसी लेयर के ऊपर ना बैकवर्ड पास इसका क्या है कि इसको इनपुट क्या जाएगी डी ए एल और आउटपुट क्या होगी डी ए एल माइनस वन, बड़ी तो जस्ट प्लीज इस पास को देखिएगा, अगेन ये कंप्यूट करते हुए ना, यानी कि यहाँ पे जो डी जी ए हम कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है, आप देखें उसके अंदर जो यूज, आप देखें काफ़ी सारी जगहों पे ना ये जी कंप्यूट यूज हो रहा है, काफ़ी जगहों पे डब्ल्यू यूज हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ना यहाँ पे एक टर्म यूज किया, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा इस बात को, उसने लफ्ज़ यूज किया है कैशे, क्या जिसके अंदर ना इसकी जो आउटपुट है ना, यहाँ जस्ट हमने लिखा इसकी आउटपुट क्या आएगी ए एल, उसने कहा ये नहीं, इसके साथ ना जी एल भी आउटपुट के जुमरे में ले दें और डब्ल्यू एल और बी को भी इसके अंदर डाल दें, यानी कि क्या मतलब इस लेयर के बैकवर्ड पास के अंदर ना इसी को ये वाली सारी चीज़ें मिल जाएं, क्या मिल जाए जी भी मिल जाए डब्ल्यू मिल जाए और बी एल भी मिल जाए, जस्ट उसे कैशे के अंदर रख दें, जस्ट अ मेमोरी, जस्ट अरे है वहाँ पर ना, अरे एक अरे बनाई है उसके अंदर हर लेयर के वेट्स डाल दिए, हर डे लेयर के कॉरस्पॉन्डिंग जो जी हैं वो डाल दिए ताकि कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश रहे। तो यहाँ पे क्या कंप्यूटर होगा, देखें जरा यहाँ पे इसको यूज़ करेगा वो और कंप्यूट क्या करेगा डी ए वन, और एट द सेम टाइम बैकवर्ड पास के अंदर हम क्या कंप्यूट करते हैं डी डब्ल्यू एल और डी बी, ठीक है, और इस तरह से डी जी भी जो है वो भी एज आउटपुट देना चाहें तब भी ठीक है, या यहाँ इसके दरमियान भी लिख दें तो अभी ठीक है। तो ये कंपोनेंट उसने दिखाए हैं उसके अंदर ना, तो आप प्लीज असाइनमेंट के अंदर देखना है, जिसके अंदर यही नेटवर्क है, जिसके अंदर दो तरह से आपको, एक तो टू लेयर का नेटवर्क है जिसके अंदर ना पहली लेयर के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन रिलू यूज़ किया है, आखिरी लेयर पे सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ किया है, फिर मेरा ख्याल है पाँच लेयर का नेटवर्क है जिसके अंदर आखिरी लेयर पे सिग्मॉइड है और बाकी लेयर पे रिलू को यूज़ किया। तो अब आपने जस्ट ये देखना है रिजल्ट अच्छे किसके साथ आते हैं,
अगर आप दो लेयर का नेटवर्क यूज़ करते हैं या पांच लेयर का, कौन सी वाली प्रॉब्लम जो आप हमने पहले असाइन की हुई है कि आप वन लेयर या टू लेयर के नेटवर्क के साथ अगर आप बाइनरी क्लासिफिकेशन करें तो क्या रिजल्ट आते हैं, जस्ट कंपैरिजन करना है। ठीक है, चलें जी, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।